एक सदी से भी अधिक समय से भारत का प्रमुख शहरों में शुमार हमारा मुंबई शहर आज अपनी बढ़ती आबादी की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। हालांकि इसका अनुमान 1980 के दशक में ही लगा लिया गया था और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मुंबई मेनलैंड में मुंबई 2.0 को बसाया गया था। मैं बात कर रहा हूँ नवी मुंबई की, जो आज तेजी से डेवलपमेंट होने वाले शहरों की सूची में शुमार है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा मुंबई के साथ 1990 के दशक में देखने को मिला था, 3-4 दशक बाद नवी मुंबई को भी सेम सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। और इसी समस्या को दूर करने के लिए ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास मुंबई 3.0 यानी कि तीसरी मुंबई बसाने पर काम कर रही है। आइए आज की इस वीडियो में मुंबई 3.0 पर चर्चा करते हैं और देखते हैं मुंबई 3.0 मुंबई और नवी मुंबई से कितना अलग होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर, दोस्तों में शेयर कर, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। मुंबई 3.0 जो बेसिकली नैना सिटी के रूप में बसाया जा रहा है। नैना मतलब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया है, जो मुख्य रूप से पनवेल, उल्मे, कल्याण, नरेल, उरान जैसा रीजन शामिल है। इसमें टोटल ऐसे ही 270 विलेजेस भी शामिल है जिसका जीर्णोद्धार होना है। नवी मुंबई में बढ़ती डिमांड को देखते हुए 2013 में ही इस शहर का अनाउंसमेंट किया गया था। बट फाइनली 4 मार्च 2024 को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इसे अप्रूव्ड कर दिया, जिसमें नैना और कोपता सिटी एरिया का टोटल 323 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन शामिल है, यानी कि डेवलपमेंट होना है। जहां तक जानकारी मुझे आ रही है, इसे टीपीएस मॉडल के तर्ज पर विकसित करेगा, जो 12 अलग अलग टाउनशिप प्रोजेक्ट होगी। इस शहर को डेवलपमेंट करने में सिडको और नैना का मुख्य भूमिका भी होगा, जो इसे एक वर्ल्ड क्लास हाईटेक सिटी के तर्ज पर विकसित करेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मुंबई 3.0 जिसे नैना सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह मुंबई सिटी से कई अधिक मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास होगा, क्योंकि मुंबई 3.0 में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे बेहतरीन पोटेंशियल्स हैं, जैसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से डायरेक्ट मुंबई से कनेक्टिविटी मिलेगी, अपना खुद का नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर भी आज अंडर कंस्ट्रक्शन है, पनवेल कर्जत रेल लाइन भी आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे कई सारे बेहतरीन वर्ल्ड क्लास मेगा प्रोजेक्ट आज नवी मुंबई में अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए मुंबई 3.0 में काफी पोटेंशियल है। यहाँ तक कि एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी होने की वजह से इसके रियल इस्टेट मार्केट में बूम देखने को भी मिलेगा, और इसीलिए आज नैना सिटी में लग्जरियस हाउसिंग सोसाइटी, कमर्शियल टावर, बैंक, डेटा सेंटर्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफिसेस और नॉलेज पार्क जैसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज तैयारियां जोरों शोरों पर है। 2030 तक नैना सिटी महाराष्ट्र की इकोनॉमी में एक मुख्य रोल प्ले करेगी, जो आज तेजी से इन्वेस्टर्स यहाँ पर रुचि दिखा रहे हैं। सिडको हाल ही में रोड, फुटपाथ और ड्रेन्स के लिए टेंडर भी फ्लोट करी थी, जिस पर आज के डेट में काम भी हो रहा है। वहीं आज के डेट में सिडको 15,000 करोड़ रुपये की बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, जो आने वाले वक्त में मुंबई 3.0 मुंबई से अधिक सुंदर और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ तैयार होगी। तो बस उम्मीद करेंगे नैना में जल्द से जल्द ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और मुंबई की तरह ही नैना को भी विकसित करें। चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आपको मुंबई 3.0 की जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छी लगी तो शेयर करना और वीडियो को लाइक कर जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। जय हिंद दोस्तों।